होम्योपैथिक है तो सारी बीमारियों का इलाज संभव है। होम्योपैथिक अपनाइए और रोगों को जड़ से खत्म करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीनचंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समस्याओं का समाधान करके प्रस्तुत हूँ। जो आज का टॉपिक लेके आया हूँ कि छोटे बच्चों में या बड़ों में लैट्रिन, गांठ गांठ से लैट्रिन निकलना, या बकरी जैसी जो लैट्रिन बकरी करती है, गांठ गांठ से लैट्रिन करती है, उस जैसी लैट्रिन करना, तो उसके दवाई बता जा रहा हूँ। गांठ गांठ से लैट्रिन हो रही है, बकरी जैसी लैट्रिन हो रही है, तो उसके लिए विशेष दवाई है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो गांठ गांठ से लैट्रिन होना पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। चलिए बिना देरी करे हुए, बिना रुके हुए दवाई नोट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सेल्टोनियम। सेल्टोनियम लोअर से लोअर पावर में लीजिएगा, मेरी बात में सिक्स पावर में है, सिक्स पावर को अच्छा रिजल्ट आता है। सिक्स पावर में या थर्टी पावर में लीजिएगा, दो बूंदें सवेरे, दो बूंदें दिन में, दो बूंदें शाम को। अगर छोटा बच्चा है तो उसको गोली में दे सकते हैं, दो बूंदें सवेरे, दिन में, शाम को। इस तरह से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट किया था एक पेशेंट, एक व्यूअर ने, तो उसमें कई लोगों ने लाइक कर दिया था। इस तरह से आप लोगों का भी कोई वीडियो हो या आप लोगों की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी तक आप तक वो वीडियो जल्दी जल्दी पहुंचाऊं। सेल्टोनियम सिक्स पावर में, दो बूंदें सवेरे, दिन में, शाम को, इसको 7 से 15 दिन तक देंगे। 7 दिन में अगर ठीक हो जाता है तो 7 दिन के बाद इसको बंद कर देंगे, अगर 15 दिन में ठीक हो जाता है तो 15 दिन में बंद कर देंगे, और 2 से 3 महीने बाद अगर दोबारा रिपीट होता है तो दोबारा इसको ले सकते हैं, वरना मत लीजिएगा। सेल्टोनियम सिक्स में नहीं तो 30 पावर में लीजिएगा, इससे ज़्यादा हाई पावर में मेडिसिन मत लीजिएगा 7 से 15 दिन तक। अगली मेडिसिन है नेट्रम्फॉस। नेट्रम्फॉस 6x में, 4 गोली सवेरे, दिन में, शाम को, इसको लगातार लेंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक लगातार लेते रहेंगे तो गांठ गांठ सी लैट्रिन खुदा पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।